ये किला 900 साल पुराना किला, आने के बाद में उस पानी को चार बार यूज करते थे। मैं भर के रख रहा हूं लकड़ी के टेबल के ऊपर। अच्छा, और रात सुबह फ्रेश होने से पहले पानी पीजिए, अगर कंटिन्यू 15 दिन पीएंगे तो रिजल्ट आएगा। पाकिस्तान का बॉर्डर यहाँ से 120 किलोमीटर दूर है। हेलो, हाँ जी, सत श्री अकाल जी, की हाल चाल तुहाडे सारिआं दा। ते आपां हुण आ चुके सी जैसलमेर, ते जैसलमेर ते आपां शुरू करती अपनी जर्नी। ते हुण अज तुहानूं आपां पहले लैके जा रहे हां इधर दा जैसलमेर फोर्ट। हुण आपां ते जैसलमेर फोर्ट दे अंदर वड़ चुके हां। जैसलमेर फोर्ट एक बहुत ही पुराना फोर्ट हैगा, 800 साल पुराना फोर्ट हैगा ये। तो बाकी हिस्टरी तुहानूं आपां थोड़े अगे जाके दसदे हां। ये एक लिविंग फोर्ट हैगा, मतलब ये अंदर लोग रहिंदे आ। तो ये अंदर लोग अप्रोक्सीमेशन 3-4 हज़ार ये अंदर। मैं सबसे पहले मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। मेरा नाम महेंद्र सिंह है। अभी जो फोर्ट अपन विजिट करेंगे, इस किले का ओल्ड नेम था त्रिकुटगढ़। पुराना नेम इस किले का त्रिकुटगढ़ था। जब बंगाली मूवी बना, इस किले का नाम रखा सोनार किला, गोल्डन फोर्ट, गोल्डन सिटी। यहाँ के फर्स्ट किंग थे, उसका नाम था जैसल। संस्कृत में पहाड़ी को बोलते हैं मेरू, जैसल प्लस मेरू नाम पड़ा जैसलमेर। ये किला 900 साल पुराना किला है। इस किले की मेन खासियत है, बना उस टाइम कहीं भी चूना सीमेंट यूज नहीं है। चूना सीमेंट यूज करेंगे तो पानी चाहिए। जैसलमेर में पानी की बहुत किल्लत है। नहाने के बाद में उस पानी को चार बार यूज करते थे। उसी पानी से कपड़े हैं, बर्तन हैं, पोते, इसलिए पत्थर को इंटरलॉकिंग किया हुआ है। और यहाँ के राजा का टाइटल है महारावल। जैसलमेर एंड महारावल, जोधपुर एंड महाराजा, उदयपुर एंड महाराणा, जयपुर एंड सवाई, दिल्ली एंड बादशाह, बीकानेर राव, अलग अलग टाइटल। तो यहाँ के राजा को बोलते हैं महारावल। तो आज भी इसके अंदर 4,000 लोग रहते हैं। 50 होटल है, 50 रेस्टोरेंट है, मार्केट इसके अंदर। जब किले की नींव रखी तब से लोग रहते हैं। 45 जनरेशन चल रहा है। जब टूरिस्ट प्लेस बना तो लोगों ने घर के अंदर होटल बना दिए। तो फोर्ट एक 24 आवर खुला रहेगा। मोनोमेंट है वो 10 से 5 बजे विजिट के लिए खुला रखा होगा। इस पत्थर का नेचुरल कलर, नो पेंट। रात के टाइम पानी लगाओ, सुबह पानी लगा कर खुदाई करेंगे तो कोतरनी का काम बहुत ईजी रहता है। इस पर्वत की ऊंचाई 250 फीट है। तो कहते हैं गढ़ों में गढ़, चित्तौड़गढ़ है, बाकी सब गढ़ैया। रानी में रानी पद्मनी, बाकी सब पद्मनिया। तालों में ताल, नैनीताल, बाकी सब तलैया। जैसलमेर राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है, खेतरपुर की डिस्ट्रिक्ट। पाकिस्तान का बॉर्डर यहाँ से 120 किलोमीटर दूर है। जो 1965-1971 में जो अटैक हुआ था हिंदुस्तान पाकिस्तान का, तो पाकिस्तान ने 7 बम गिराए थे। वो माता के चमत्कार से एक भी बम विस्फोट नहीं है। जो कनौट माता का मंदिर है, जो बॉर्डर पिक्चर में दिखाया हुआ। तो ओल्ड नेम इसका त्रिकुटगढ़ था। सबसे पहला यह मूवी बना है बंगाली पिक्चर सोनार किला। जब वो मूवी सुपरहिट गई, उसको 16 भाषा में ट्रांसलेट किया। आज जैसलमेर 80% मूवी एरिया, शूटिंग, सीरियल, एड चलता रहता है। छतरी वाला जो टावर देखेंगे, उसको बोलते हैं बैरी साल ब्रिज। बैरी एंड दुश्मन 50 फुट गिरा हुआ है। दुश्मन को चीफ आर के इसके अंदर डाल दी थी। ये गोल पत्थर देखे ना दीवार के ऊपर लगे, गोल और बेलनाकार। ये 100 पीस के नहीं है, पहले टाइम उसके पत्थर के ऊपर गिराए जाते दुश्मन के ऊपर। गोल वाला है 50 kg का है, और लंबा वाला है 100 kg का है। तो दूसरा गेट दिखा नहीं देगा, दूसरे में घुसेंगे तो तीसरा गेट, क्योंकि पहले के टाइम के अंदर एलिफेंट के द्वारा गेट को गिराते थे। जब दुश्मन ने फर्स्ट गेट गिराया, जब सेकंड गेट गिराएंगे तो भागता हुआ एलिफेंट लेफ्ट उसका बैनर्स को इस गेट को गिराने से। सन एंड सूरज ग्रो, सूरज की सबसे पहले किरण यहाँ पर बोलती है, इसका नाम रखा सन गेट। इसका दूसरा नाम बोलते हैं वेलकम गेट। ये छेद देख रहे हैं, फूल भर के रखते थे, जो भी गेस्ट आते उनका पीछे से पुश करते थे, उनका वेलकम होता था। एक गेट से दूसरा गेट दिखाई नहीं देता है। मैंने जो गोल और बेलनाकार पत्थर का था, ये वाले पत्थर थे, मतलब दुश्मन की सेना के ऊपर गिराए जाते थे।
आते रहेंगे। ये जो नाली देख रहे हो चारों तरफ नाली, ये नाला बारिश के पानी के लिए नहीं है, इसमें दुश्मन की सेना अगर ऊपर का कोशिश कर रही है तो गर्म पानी सूर का दो ताकि सफल ना हो सके। और ये जो विंडो देख रही हो, ये सूचना केंद्र है उस जमाने का, इसको बोलते हैं त्रिपोलिया। यहाँ कैमल के खाल के नगारे रहते थे, नगरों को पीटते थे, जो अलग अलग धोने के लिए पब्लिक को सूचित करते थे कि महारानी आ रही है तो धोने लग गए, राजा आ रही है दुश्मन है, तो विंडो त्रिपोलिया है। खड़ी है इस चौक को बोलते हैं दशहरा चौक, और आम बकली की गाड़ी वाड़ी यहीं आती, जो अंदर जो बकली रहती है उनका बड़ा गाड़ी यहीं आता है, छोटी छोटी गले तो भाई की जाता है, तो इस चौक को बोलते हैं दशहरा चौक। राजस्थान का मेन जो फेस्टिवल है गणगौर दशहरे का फेस्टिवल आज मनाते हैं। हम ये जो व्हाइट कलर का सिंहासन देख रहे हो, ये महाराजा का बैठने का सिंहासन है। नीचे वाली सीढ़ियाँ सेनापति लोग, महामंत्री लोग, गेस्ट लोग बैठा करते थे। सामने जो टेम्पल है चामुंडा माँ का मंदिर है, और दशहरे से 9 दिन पहले भैंस के बछड़े की बलि देती थी बफूले की। जब प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी बनी तो बलि प्रथा पर रोक लगा दिया, बलि प्रथा नहीं होता है। ये जो महल देखेंगे इसको बोलते हैं गज विलास, महाराज गज सिंह के द्वारा 14th century में निर्माण किया गया, इसको बोलते हैं रानी महल। रानी में पहले पड़ता था, कोई भी फेस्टिवल है रानी लोग ऊपर से देखा करते थे। अंदर से आप विजिट करोगे म्यूजियम में 100 rupees टिकट। किले में अभी मैंने जो राजा रानी का महल दिखाया, ये राजा की पक्षी प्रॉपर्टी है, इसकी जो इनकम होती है राजा को पक्षी मिल जाती है। अब जैन मंदिर है और जैन ट्रस्ट के अंडर में, और मकान बकली के खुद के उनके जनरेशन वाइज जनरेशन चल रहा है, तो उनकी पीढ़ी दर बकली रहती है। अभी तो खाना चलेंगे, और ये जो आप बिल्डिंग देख रहे हो थी, अब लोगों ने कंस्ट्रक्शन पूरा चेंज करके डिफरेंट बना दिया, ठीक है ना, ये पूरा चेंजिंग है। कारण वैज्ञानिक लोगों ने प्रूव किया है, ये पत्थर इंडिया के हर मोनोमेंट पर लगा हुआ मिलेगा, ताकि बुरी नजर से आर्टिस्ट देखे। अगर आप वस्तु शास्त्र में विश्वास रखते हो, नेगेटिव को पॉजिटिव में चेंज करता है, अगर उसको पाइल्स है, डायबिटीज है, खून का प्रॉब्लम हो, खून संबंधी जितनी भी बीमारी है उसको कंट्रोल करता है। इसका पूना के डॉक्टर ने इसके ऊपर सर्च किया है, रिसीव किया है। इसके अंदर रात के टाइम पानी भर के रखो, सुबह पानी पीजिए, तो पाइल्स है, बीपी है, हार्ट है, उसको कंट्रोल करता है। जैसलमेर में दो पत्थर ही निकलते हैं, एक पीला पत्थर और ये खाली एक जगह, इतना हार्ड है, इसको केरोसिन से कटिंग होता है पूरा। अच्छा, हाँ हाँ अंदर भी वही देखा मैंने। हाँ, तो बाहर पॉलिश किया थोड़ा सा ना, बाहर से पॉलिश करते हैं क्या, कोई शो पीस में रखता है चमकेगा। हाँ, और उसका ही कछुआ बनाया है, तो कछुआ दिन में रखो, दिन में भर के रखना है, और लकड़ी की टेबल के ऊपर। अच्छा, और रात सुबह फ्रेश होने से पहले पानी पीजिए, अगर कंटिन्यू 15 दिन पीएंगे तो रिजल्ट आएगा। आपने एक दिन पिया, दो दिन नहीं पिया, फिर बोलोगे काम नहीं किया, वो नहीं, कंटिन्यू पानी। वो आप, और ये चीज, ये बच्चों को नजर के लिए रखा हुआ है, किसको पहना अंगूठी में या नजर में, बॉडी को टच होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये हवेली है, सामने वाला जो देख रहे हो ना, ये पटुओं का हवेली है, विश्वविख्यात है। सामने बड़ा बिल्डिंग देख रहे हो ना, हाँ जी, ये पटुओं का हवेली है, ये रेलवे स्टेशन है, ये घड़ीसर लेक तालाब है, और पाकिस्तान का बॉर्डर यहाँ से 120 है, वो डेजर्ट है, वो 45 किलोमीटर है। और ये सिटी है वो 18th century में बाद में वैसा इसको बोलते हैं गोल्डन सिटी। इत्थे है सारी कपड़े की मार्केट भी हैगी है, तो बाकी चादर वगैरह सब कुछ है इत्थे राजस्थान ट्रेडिशनल स्टाइल च। तो यह भाई एक रख के दिखा लगे सूँ, एक कैमल का बनया शॉल, वो स्मैल देखो पेपर वगू स्मैल आँदी है पूरी, कि पता लगे कि ओरिजिनल कैमल का ही बनया होया। ये मंदिर 600 साल पुराना है, इसको बनने में लगा 17 साल, इसकी न्यू 1459 के अंदर टोटल मंदिर में मूर्ति लगा हुआ है 6666, 6,607 मूर्ति लगा हुआ है। तो यहाँ के राजा जैन नहीं है, तो जैन मंदिर क्यों बने? जैन एक रिच फैमिली राजाओं को फाइनेंस किया करते थे, तो राजा ने इनको जगह दी और मंदिर बनाया।
24 भगवान हुए, 24 कीर्तन कर हुए, स्टिजी सेम 24 सिंबल स्टिजी सेम। किले के बाहर निकलते सारी अपने मार्केट है जैसलमेर की, ये बहुत छोटी मार्केट है। इतने खाण पीन सिर्फ खाण पीन जोगा ही हैगा, तो जहाँ फिर टूर एंड ट्रैवल्स वगैरह है, तो उदा रेस्टोरेंट के अंदर भी सके, तो अंदर भी खा पी सकते हो, कोई इदा का नहीं है। तो चलो बाकी ये है जी जैसलमेर का बाजार, आ देखो इतने हर तरह की सुविधा हैगी है।